बहुत बहुत ट्रेंडिंग पे जा रहे हो आजकल, क्या बात है। बस आपको पता है हमेशा मेरे फॉर यू पे होते हैं आप, हमेशा अपना कंटेंट बनाते हैं। अभी रिसेंटली मेरा सॉन्ग आया, आई थिंक आपने नहीं देखा होगा। कौन सा वाला? कलिया गुजारा। और हम आ गए वापस और बहुत ही मजेदार। ओ माय गॉड, आप तो अभी तक तैयार हो रही थी। आगे ब्रेक से यही तो बात है आपकी जो मैं अच्छी लगती है। देखिए मेरी बात सुनिए, क्या लिपस्टिक खराब हो रही थी तो मुझे सही तो करनी थी ना। हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक नया शो, एक नया एपिसोड और मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस। जब जैजी बोलता है आप सब सुनते हैं, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द शो विद द थॉट ऑफ द डे। और आगे थॉट ये है कि सच बोलना सीखिए। हमें ना कुछ आते पड़ गई है झूठ बोलने की, कुछ ज़्यादा झूठ बोलने लग गए हम आजकल। हम समझते हैं कि कुछ हार्मलेस झूठ होंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, खैर है झूठ चलता है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, झूठ झूठ होता है, चाहे हार्मलेस हो या हार्मफुल हो। सो ट्राई करें अपनी ज़िंदगी में सच को जगा दें और सच बोलने की हिम्मत पैदा करें, तो आप एक कॉन्फिडेंट और अच्छे इंसान बन जाएंगे। सो आज की ये थी थॉट ऑफ द डे। तो आज का शो बहुत मज़े का होगा। आज हमारे पास बहुत सारे मज़ेदार गेस्ट मौजूद हैं और फिलहाल मुझे जाना है कहाँ, मुझे जाना है अपने बाएँ जानेब। तो आइए इन्वाइट करें द ब्यूटिफुल एंड वेरी करेजियस संदल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ब्लैक इन लग रहा है आजकल। यस संदल जी, आजकल आप बहुत इन हैं, आपको पता है इस बात का। डॉक्टर साहब, अगर सच बोलने से हाँ, अगर ऐसी शोहरत मिलती है तो मेरे ख्याल से हर किसी को मिलनी चाहिए, पर सच पे पाना में अच्छा। डॉक्टर साहब, मैंने जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेहनत से जितने भी मेरे दोस्त इधर यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनको यही कहूँगी कि अगर आप लोगों का स्टार्ट है तो मेहनत कीजिए, दूसरे को देखकर उसके पीछे ना भागिएगा, क्योंकि जब आप दूसरों के पीछे भागते तो किस वक्त आप गिर जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। सही बात। लिहाजा अपनी मेहनत पे फोकस रखिए, आपका एम क्या है उस पे फोकस रखिए। ये ना देखिए कि वो उसने एक गाना गा लिया है तो मैं पीछे रह गया। नहीं, वो उसने क्या किया क्या नहीं किया वो उसकी किस्मत है, उसकी मेहनत है। आपको क्या करना है आप उस पर फोकस रखिए। मैंने कभी आज तक डॉक्टर साहब किसी से जेलसी फील नहीं की। कैसे आवाज़ से मिलवाएंगे आपको, जो कि बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक सिंगर हैं। और अभी इनका हाल ही में नया गाना, बल्कि पहला गाना आया इनफैक्ट, और मैंने कहा कि ये आवाज़ तो वाकई मज़े की है और ये लड़का बहुत अच्छा गाता है। सो मुजम्मिल तारिक को हमने कहा कि आप हमारे शो में आइए, इतना अच्छा गाते हो तो आज यहाँ भी अपनी आवाज़ से चार चांद लगा ही दो। ऊपर मौसम भी मज़े का हो गया था, तो लेट्स इनवाइट मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप सिंगर बन गए जी ऑफिशियल? देखिए ना, जब तक एक सिंगर देखिए जब तक एक सिंगर का अपना गाना ना आए ना, उसको हम एज अ सिंगर लेवल नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये रूल है। सो आपका पहला प्यार यानी कि पहला गाना आ गया जी। सो कैसी फीलिंग है फिर? अच्छी फीलिंग है, बहुत गर्जिस फील कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। सो मतलब एक मोटिव इन्फ्लुएंस मिलती है ना इंसान को डिफरेंट चीज़ों से। बिल्कुल सही, इसने बहुत मोटिवेट किया हमें। बिल्कुल ठीक सब। वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच। नितिन, हाल ही में मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरा, एक गाने का वीडियो, और बहुत डिफरेंट सा था, बहुत उसमें डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट था, और उसमें मुझे अच्छा लगा वो सब कुछ। सिंगर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो सिंगिंग छोड़ चुके हैं उस तरह से, लेकिन वो गाना बहुत मज़े का है। इनवाइट किया और वो ख़ास तौर पर हमारी दावत पे सियालकोट से सब ट्रैवल करके यहाँ आए हैं। फर्स्ट, अवैस ज़िया द कैप्टन ऑफ द शिप। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिंगर को एकदम क्या हुआ कि वो ट्रांसफॉर्म हो गए? ये तो जिसको अल्लाह ताला दे दे वो तो फिर जाहिर है ना। एक्चुअली सिंगर के साथ कुछ ऐसे सीन चले हैं पहले हुए, हाँ, कुछ ऐसे में कि वो उसने उसकी एंटायर जिंदगी को चेंज कर दी, बदल दी, लेकिन वो गाना बहुत मजे का है। और लाइक फ्यू इयर्स बैक ही गिफ्टेड दैट सॉन्ग टू मी एंड ही सेड कि जो दिल करता है करो इसके साथ। वाह, कुछ ऐसी चीज दिखाई जाए जो आजकल चाहिए हमें, चाहिए जो पता क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जिनकी जरूरत नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब जिस तरह आप दोस्त एक दोस्त को हेल्प करता है, अगर उस वीडियो में देखें आप तो वो जिस तरह हेल्पिंग है दोस्त, जिस तरह बचपन से वो एक दूसरे के साथ हैं और वो चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, ये आगे बढ़े, ये आगे बढ़े, उसी चीज़ को हमने प्रमोट करने की कोशिश की है। और बाकी इन लोगों ने जिस एक्टिंग की है वो तो उन्हें चार चांद लगा दिया। मतलब तो आइए बुलवाते हैं कि पहले जो हमारे यहाँ मॉडल बैठे हैं इस गाने में, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और बाकी उस लड़के के एक्सप्रेशन मज़े के थे, वेरी नाइस लुक्स, मजे का काम कर रहे हैं। वकार चौधरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो वकार? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे फील हो रहा है इस गाने का पार्ट होना? बहुत अच्छा। पहले जब फर्स्ट टाइम सुना था तो लगता नहीं था कि हम भी इसके मतलब पार्ट होंगे। हाँ, ये सारी मेहनत अवैस भी की है। या इन्होंने टोटली एक तो सारी की सारी
स्टोरी बोर्ड भी खुद ही लिखा और हमें साथ लेके भी चल रहे हैं अभी तक. अभी हमारा नेक्स्ट सॉन्ग भी आ रहा है. क्यों ना आगाज ही करें इस शो का इस गाने के साथ. और गाने के बोल क्या है एग्जैक्टली? अब उड़ना है हमें. अब उड़ना है हमें. तो आइए फिर नसंदन जी फ्लाई करते हैं और चलते हैं उन हवाओं में जहां गाना जाएगा अब उड़ना है हमें. आइए वीडियो जिसकी बातें हो रही है देखते हैं. आप भी जरा एंजॉय करें इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को. बहुत डिफरेंट और मजेदार कॉन्सेप्ट है. वापस आइएगा इस गाने को एंजॉय करने के बाद. और हम आ गए वापस और बहुत ही मजेदार. ओ माय गॉड, आप तो अभी तक तैयार हो रही थी. आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब, आगे ब्रेक से यही तो बात है आपकी जो मैं अच्छी लगती है. देखिए मेरी बात सुनिए, क्या है लिपस्टिक खराब हो रही थी तो मुझे सही तो करनी थी ना. मुझे क्या पता आप लोगों ने कट तो हो नहीं सकता. खैर लाइव है. लाइव है कट तो सकता है. अरे लाइव का यही तो मजा होता है डॉक्टर साहब. जाने दो मुझे जान. हम गाना शुरू कर देंगे. लेट्स इनवाइट द अदर गेस्ट राइट. एक बहुत ही खूबसूरत चेहरे से मिलवाते हैं आपको. एक ऐसी मनमोनी सी लड़की जो शायद बहुत सारे ख्वाब लिए इस इंडस्ट्री में आई और वो इस इंडस्ट्री में अपने ख्वाबों को पूरा भी कर रही है. बहुत ही प्यारी सी है, मनमोनी सी है. शी इज़ गॉर्जियस और मॉडलिंग में तमाम अपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं. और आप भी जूनिया बहुत प्यारी लग रही है. द ब्यूटीफुल जूनिया खान. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं. अच्छा आपका अपना एक स्टाइल है मैंने नोट किया है. इससे कि मुझे गाना आता याद. ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका. ये अदा ये नाज. व्हेनेवर आई सी हर पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज मैं कहता हूं यार इनका स्टाइल है. अच्छा तो ये स्टाइल इनबॉर्न टैलेंट है आपका? हाँ, आपको कोई परवाह नहीं होती. बिल्कुल देखे आगे का ये टैलेंट मुझे के आई डोंट केयर. ऐसी ही है हमारी दुनिया. आई डोंट केयर. दुनिया ऐसी है. उनका मंत्र है आई डोंट केयर. सो दैट्स द वे. सो हाउ इज लाइफ? परफेक्ट. बस कोरोना की वैसे चल रही है. आपको एक हैंडसम डूड से जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एक अमेजिंग मॉडल हैं. बहुत सारे टीवी के प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. इज वेरी सेलेक्टिव इन इज वर्क और वो भी बड़े डेस्टिन्ड है अपने गोल्स को लेकर और इस इंडस्ट्री में कदम जमा रहे हैं ठकाठक. तो लेट्स वेलकम द हैंडसम डूड एंड वेरी जबरदस्त मॉडल हुज़ैफ़ा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं. सो हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन वर्क? एवरीथिंग इज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन. अच्छा तो आपने भी उस वीडियो में काम किया? हाँ जी. आप कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा और मजीद करेंगे आगे. हाँ, वो तो बताया उन्होंने कि अवैस ने काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. जबरदस्त. चलिए वेलकम ऑन द शो. थैंक यू कमिंग. और हमारे टिकटॉक का जमाना है और टिकटॉकर्स आजकल छाए हुए हैं और जब ये टिकटॉक बनाते हैं तो पूरी दुनिया देखती है. काफी छाए हुए हैं. इनका ग्रुप जो है पूरा एक जबरदस्त काम कर रहा है. कभी नॉटी नॉटी से हैं, नटखट से हैं, मीना कभी शरारतें करते हैं टिकटॉक पे भी. तो लेट्स वेलकम शर्जील खान. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. पहले आप आए थे लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम था. उस वक्त शो का बिल्कुल एंड था लेकिन आई थॉट के वी शुड इनवाइट यू अगेन. अच्छा बहुत ट्रेंडिंग पे जा रहे हो आजकल, क्या बात है? बस आपको पता है हमेशा मेरे फॉर यू पे होते हैं आप. हमेशा अपना कंटेंट बनाते हैं. पता होता क्या है, हर बंदे का डिफरेंट फॉर यू चल रहा है आजकल. प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं मेरे फॉर यू पे कभी नहीं आया. वो आपका अपना फॉर यू होगा क्योंकि आपके लिए स्पेशल फॉर यू होगा. फॉर यू होगा क्योंकि आप अपना कद देखें, अपनी हाइट देखें, अपना ना हो. सुजील कैसा जा रहा सब कुछ? सब यस शुक्र. मजे की लग रही है? बहुत अच्छा. बहुत प्यार दे रहे हैं लोग आज. जैसे आप दे रहे हैं वैसे फिर. अच्छा जैसे आप दे रहे हैं वैसे. अच्छा मेरा आज फर्स्ट टाइम मैं किसी टिकटॉक के साथ. शर्जील नाम है ना? शर्जील मैं आपसे एक सवाल कर. जी बिल्कुल. कितना अर्सा हो गया आपको टिकटॉक? डेढ़ साल हो गया. डेढ़ साल में किस दिन आपको लगा कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया? आप लोग एक एप स्टार हो ठीक है, आप लोगों को सब लोग पसंद करते हैं, 30 seconds की वीडियो बनाते हैं, हम लोग भी बना रहे हैं. बट मेरा सवाल आपसे एक इसलिए आज ऐसा है कि हम लोगों को पता चलना चाहिए. डॉक्टर साहब मैं कहेंगे मैं बहुत सही खुश हूँ. आप प्लीज कीजिए. हाँ मुझे ये बताइए कि डेढ़ साल में किस दिन आपको लगा कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा किया है? रमजान से एक दिन पहले जिस दिन फर्स्ट रमजान था उस दिन हम लोग वीडियोस बनाने गए थे अलग अलग कंटेंट्स पे ठीक है. बट हम लोगों ने जब बाहर निकले ना तो एक मतलब फकीर था तो बगैर मतलब हर किसी से मांग रहा था तो किसी कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था. तो फिर हम लोगों के एक माइंड में आया कि यार हम लोग कुछ ऐसा मैसेज बनाते हैं कि लोगों तक ये पहुँचे और लोग इनकी मदद करें. तो फिर हम लोगों ने उस कंटेंट पर बनाई और वो हमारी 1.2 million पे वीडियोज़ भी गई थी.
अच्छा, मतलब आपके माइंड में ये था कि ये फॉर यू पे जाएगी और इसके इतने व्यूअरशिप होगी, ये सोचकर बनाई थी? ये सोचकर नहीं, ये मैसेज के थ्रू बनाया था कि ताकि पूछना ये चाह रही थी ये मैसेज। अच्छा, फिर आप खुद में फील करते हो कि आप एक स्टार हो? दुनिया जाना, बहुत गौर से आपकी बातें फील कर रहे हैं कि आप क्या बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा मतलब महसूस होना शुरू हो गया कि आप स्टार हैं? बिल्कुल, ऐसी ही है आप हमारी प्यारी सी। डरो मत बच्चे, डरो मत। ना, नो इशू। अच्छा मुझे बताओ, सोनिया लड़के तंग तो नहीं करते मैसेजेस वगैरह? आई एम श्योर है ना, कि इंस्टाग्राम में तो आके जो है ना, नहीं इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई नहीं करती ज्यादातर, देखती हूं वो तो बिल्कुल स्टोरीज के अंदर बंद ही रहते होंगे, स्टोरीज में बस बस देखती नहीं, बस भाई बस, सारा बात नहीं चीफ साहब। अच्छा अच्छा मुझे बताओ सोनिया, थोड़ी कहानी बताओ अपने बारे में, शोबिज में कैसे आई हैं? कैसे शोबिज में? बस शौक था, लेकिन आगे फैमिली अभी तक नहीं माने, लेकिन स्टिल मैं कर जा रही हूँ। अभी रिसेंटली मेरा सॉन्ग आया, आई थिंक आपने नहीं देखा होगा। कौन सा वाला? कलिया गुजारा। मैंने वो नहीं देखा, वो सिंगर कौन है उसमें? वो आई थिंक सॉन्ग है, आई थिंक अली जफर का, और लड़का है नुमान। अच्छा चले प्ले कर देते हैं आज वो गाना, बहुत स्लो सॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छा, लेकिन गाना तो अच्छा है ना? गाना अच्छा है, गुजारा वेरी नाइस। कुछ मुहावरे दिखाते हैं आपको और मुहावरों की एक्टिंग करनी है आपने, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों से, ठीक है? कौन करेगा एक्टिंग? जी आप चिल पिल करें, सुकून। Oh my God! सोचें। आप थोड़ा बताइए, आप तो इतनी एक्टिंग कर रहे हैं। प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं पी सकती शो में। ऐसा तो नहीं। देखो मुहावरा है, मुहावरा। अरे मुहावरा है। अच्छा। मुहावरे गेस करने। हाँ। कुछ और भी एक्टिंग करते हैं। कैमरे की आंख आपको देख रही है बट आप नहीं पी सकते। नहीं। ये क्या आपके पास? बियर्ड। उर्दू में करो ना। दाढ़ी। दाढ़ी। दाढ़ी में तिनका। दाढ़ी। हाँ, तो क्या बना? दाढ़ी में तिनका। दाढ़ी। चोर की दाढ़ी में तिनका। यार एक्जेक्टली। सियापा ताड़ा मोबाइल चोरी कर ले, मुझे भी नहीं समझ आ रही। अरे आप लोग कही है। ठीक है। शीशा, शीशा क्या कहते हैं? देखिए अब कुछ और, कोई सुन लेगा? नहीं, दीवार। हाँ। दीवारों के भी कान होते हैं। ओह माय गॉड, नाइस। ऐसे नहीं करना था आपने, ये करना था, ये करना, ये करना। हम लोग साथ साथ हैं, इंजॉय कर रहे हैं आज की सुबह को। अब ऐसे हम जा रहे हैं दोपहर में और हमारे तीन गेस्ट नए आ चुके हैं, हमें ज्वाइन किया है, ज़बरदस्त फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं और बहुत सारे उनसे हम हेल्थ टिप्स लेंगे। अमेजिंग रावल नदीम ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रावल। नाम का मतलब क्या है रावल? मेरे नाम का मतलब है राजाओं का सरदार। ओह, तो किसके सरदार हैं आप? अभी तो राजा ही नहीं मिले अभी तो। जी सही, वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच। अभी हम जिस गाने की बातें कर रहे थे, उड़ चला अब उड़ना है हमें, उसी की टीम के दो मेंबर्स यहाँ पे आए हैं, हमें ज्वाइन किया इन्होंने। पहले हम जाएंगे टूवर्ड्स माय राइट साइड, एक अपकमिंग मॉडल हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने भी अपनी अच्छे लुक्स के साथ एक सेट किया अपने लेवल इस इंडस्ट्री में। एहतसाम ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। कैसा लगा काम करके, उड़ के? इनफैक्ट गुड एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सही, जबरदस्त। तो वेलकम ऑन द शो, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड जो उनके लास्ट पार्टिसिपेंट रह गए हैं हमारे पास, वो भी एक मॉडल हैं और आप भी सियालकोट से आए हैं? हाँ जी। ग्रेट, और भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी भी लुक्स मजे की हैं। मून खालिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ वाज बॉयज, हाउ वाज इट वर्किंग विद द टीम ऑफ दिस सॉन्ग? हमारे लिए एक बिल्कुल ही नई फील्ड है, ज़ाहिर है आपको पता है, तो ऐसा ऐसा ये है कि अब इसमें हम लोग ग्रूम करते जाएंगे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वैस भाई के साथ और बहुत कुछ सीखने को मिला। सबको सिखा दिया। जी जी एग्जैक्टली। और मून आप बताइए जी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मैं सियालकोट से हूँ, तो फिर हमें अवैस भाई ने हमें इकट्ठा किया, हम एक टीम बने, फिर हमने एक सॉन्ग किया। इस सॉन्ग के बाद बड़ा अच्छा सॉन्ग किया, बड़ा अच्छा काम किया। इसके बाद एक और आ रहा है, दर्जी सॉन्ग है वो मेरा। हाँ। उसमें भी अवैस भाई डीओपी हैं।
लिखा है, राइटर भी वही है। फिर उसके बाद एक और जब हम जिसकी तरफ जा रहे हैं हम सब इकट्ठे होके, हमारी है वो BOP, GOP है, ठीक है, उसका नाम गैंग्स ऑफ भोजपुर। ओके, ठीक है। हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है गैंग्स ऑफ बाजेपुर से। हाँ, गैंग्स ऑफ भोजपुर, ठीक है, भोजपुर। बेसिकली मैं भोजपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो वो गैंग्स हम सीरीज वाइज उसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त, वेलकम ऑन द शो गाइस। थैंक यू। अच्छा, आप बताइए रावल अपने बारे में, फिटनेस, हेल्थ, सब कब से शुरू किया है सब काम? एक्चुअली मुझे ये शुरू से इस चीज़ का शौक था, मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ शुरू से ही, तो डिग्री भी मैंने HND में की हुई है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, और उसके बाद फिर इसी में सर्टिफिकेशंस आगे फर्दर लिए हैं Udemy अमेरिका से, तो वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस आती हैं, तो उसकी बेस पे फिर एज अ इंस्ट्रक्टर हमें बुलाया जाता है फील्ड में। तो ये एक अच्छी फील्ड है, और आगे आने के लिए, आगे जितना भी हमारा फ्यूचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका काम है। ज़बरदस्त, चलें। तो ये एक ज़रूरी है हर इंसान के लिए। कैसा गया Alex? बिल्कुल फिट। या मैंने तुम्हारे साथ एक बात करनी थी। बोलो। समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। खुल के बता यार, क्या हुआ? यार मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया। ओके। हाँ, और वो मैं बताऊंगा तुम्हें, और तुम्हें पता है कि इन चीज़ों से मैं वैसे दूर था, लेकिन मुझे प्यार हो गया। प्यार हो गया। ये आएगा कौन है तो पता चलेगा ना, किससे प्यार करना शुरू हो गया तू? यार तुम्हें क्या बताऊँ, उसकी जुल्फें और उसके इधर दिल है ना काला, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। और जब वो नीला सूट पहन के निकलती है, वाह कमाल लगती है। अच्छा, अब मैंने घर वालों से बात करनी है कि उससे मैं शादी कर। अभी नीलम की बात कर रहा है तू? कौन नीलम? कौन? हमारी फ्रेंड जो है नीलम। तू कैसे जानते थे? अभी मेरी दोस्त है वो। हाँ, मेरी भी दोस्त ही है, मतलब के क्या। वे तू किस तरह उसके साथ इतना क्लोज हो गया? बेसिकली मेरी क्लास फेल हो गई। बस इतना भी काफी है। अब आपकी हमें बाहर आना, पहले बताएं एक्सपर्टीज, बताएं दोनों की बारी बारी, पहले इनके बारे में बताएं। इनके बारे में मैं ये कहूँ, क्या नाम है आपका? एहतिसाम। एहतिसाम, एहतिसाम, एहतिसाम के लिए मैं नेगेटिव रोल जो है उसको मैं प्रेफर दूंगी। लेकिन वैसे अभी बताना कि अपने एक्टिंग की, इन्होंने कैसे एक्टिंग की है? एक्टिंग ये नेगेटिव रोल में परफेक्ट है। हाँ, इसको लेकिन अगर हम इस वक्त की एक्टिंग देखें तो उस पे आप कितने मार्क्स देंगे 10 में से इनको? इसके कैरेक्टर के हिसाब से जो है 10 में से 10। दिन ये था आज का शो, उम्मीद करते हैं आपने इंजॉय किया होगा। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। साथ रहा करें।